नमस्कार सभी को, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी में चैप्टर नंबर 21 जो लर्निंग के लॉ और थ्योरी से संबंधित है, इसको हम आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए ये लेसन बहुत ही यूजफुल है। सबसे पहले हम देखेंगे सीखने के नियमों का क्या महत्व है। आगे है सीखने के नियमों का महत्व है। सीखने के नियमों का अपने जीवन में क्या महत्व है। नियम जो होते हैं वो प्रकृति के अटल विधान माने जाते हैं। पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे पौधे हो चाहे मनुष्य हो, सभी प्रकृति के नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार सीखने के भी कुछ नियम होते हैं। सीखने की प्रक्रिया जो है वो इन्हीं नियमों के अनुसार चलती रहती है। कुछ लेखकों ने इन नियमों को प्रिंसिपल्स या फिर सिद्धांत की संज्ञा दी है। जब भी हम कुछ सीखते हैं तब हम इनमें से कुछ नियमों का अनिवार्य रूप से अनुकरण करते हैं। इनके महत्व का उल्लेख करते हुए रायबर्न महोदय ने लिखा है कि यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों या सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य जो है वो अधिक संतोषजनक होता है। इसीलिए शिक्षण विधियों में इन नियमों या सिद्धांतों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। फिर देखते हैं थॉर्नडाइक के सीखने के नियम कौन कौन से हैं। पिछले 50 वर्षों से अमेरिका के मनोवैज्ञानिक पशुओं पर परीक्षण करके सीखने के नियमों की खोज में दिन रात लगे हुए हैं। उन्होंने सीखने के जो नियम प्रतिपादित किए हैं उनमें सबसे अधिक मान्यता E.L. थॉर्नडाइक के नियमों को दी जाती है। उसके नियम उसने सीखने के जो नियम हैं वो 3 तो मुख्य नियम बताए हैं और 5 जो हैं वो गौण नियम बतलाए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के मुख्य नियम। इसमें है पहला तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास का जो नियम है इसके 2 अंग माने जाते हैं, उपयोग और उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम, तो ये इसके 2 अंग हैं। तीसरा नियम है प्रभाव या परिणाम का नियम। फिर आगे देखते हैं इसके 5 गौण नियम कौन कौन से हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभिवर्ती या फिर इसको मनोवर्ती भी बोल सकते हैं, अभिवर्ती या मनोवर्ती का नियम, या फिर आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। अब हम इन नियमों को क्रमबद्ध रूप से थोड़ा थोड़े समझेंगे। सबसे पहले जो मुख्य नियम है तत्परता का नियम, उसको देखते हैं। इस नियम का अभिप्राय यह है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार रहते हैं तो हम उस काम को बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की जो इच्छा है वो उसमें निहित रहती है। यदि किसी बालक में गणित के प्रश्न करने की इच्छा है तो वह उनको आसानी से कर देता है, और अगर उसको गणित के प्रश्नों में अरुचि है तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, तत्परता के कारण वह उनको अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता है। तत्परता उसके ध्यान को कार्य पर केंद्रित करने में सहायता देती है, जिसके फलस्वरूप वह उसे संपन्न करने में सफल होता है। इसके संबंध में भाटिया महोदय ने लिखा है कि तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना माना जाता है। कि हम जब तक किसी कार्य को करने के लिए तैयार या तत्पर नहीं होंगे तब तक वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। दूसरा है अभ्यास का नियम। इस नियम का अभिप्राय है अभ्यास जो है वो व्यक्ति को कुशल
बनाता है। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते रहते हैं तो हम उसे सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं और उस कार्य में हमें कुशलता प्राप्त होती है। और जिस कार्य का हम अभ्यास नहीं करते उस कार्य को हम करना भूल जाते हैं। हम बिना अभ्यास किए साइकिल पर चढ़ने में या कोई खेल खेलने में कुशल नहीं हो सकते। इन कार्यों के लिए भी हमें अभ्यास की ज़रूरत होती है। इस नियम के संबंध में कोलेसनिक महोदय ने लिखा है कि अभ्यास का नियम किसी कार्य की पुनरावृत्ति, पुनर्विचार या अभ्यास के औचित्य को सिद्ध करता है। फिर है अभ्यास का नियम। इस नियम का अर्थ यह है कि यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो हम उस कार्य को भूल जाएंगे। अभ्यास के माध्यम से ही हम उसे स्मरण मतलब याद रख सकते हैं। इस नियम के संबंध में डगलस एंड हॉलैंड महोदय ने लिखा है कि जो कार्य बहुत समय तक किया जाए या फिर उसको दोहराया नहीं जाया, कि अगर हम कोई कार्य लंबे समय तक करते हैं या फिर उसको दोहराते नहीं हैं तो हम उस काम को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। इसी को अनभ्यास का नियम भी कहा जाता है। अगला नियम है परिणाम, या फिर इसको संतोष का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है या जिससे हमें सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। यदि हमको किसी कार्य को करने से या सीखने से कष्ट होता है तो हम उस कार्य को करते या सीखते बिल्कुल नहीं है। इसके संबंध में वासबन महोदय ने लिखा है कि जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना होता है तब सीखने में संतोष का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगला नियम है बहु प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम का अभिप्राय यह है कि जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति अनेक और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं उसके प्रति हमें करते हैं। दूसरे शब्दों में हम विविध प्रकार के उपायों और विधियों का प्रयोग करके उस कार्य में हम सफलता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कुछ समय तक प्रयास करने के बाद हमें उस कार्य को करने की ठीक प्रकार की विधि या उपाय पता चल जाता है। प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने का जो सिद्धांत है वो बहु प्रतिक्रिया नियम पर ही आधारित होता है। अगला नियम है मनोवृत्ति का नियम। इस नियम का तात्पर्य यह है कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हैं तो या हम उसे करने में असफल होंगे। कि कोई भी कार्य है हम उस कार्य को करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं तो हमें उस कार्य में असफलता प्राप्त होगी। हम उस कार्य में कभी भी सफल नहीं हो सकते या फिर अनेक त्रुटियां उस कार्य में करते हैं या उस कार्य को करने में हमें अधिक समय लगता है। यही कारण है कि शिक्षक प्रेरणा देकर बालकों को नवीन ज्ञान ग्रहण करने के लिए पहले मानसिक रूप से उनको तैयार करते हैं ताकि उनका कार्य आसान हो जाए। अगला नियम है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम का अनुसरण करके हम जिस कार्य को करना चाहते हैं उसे हमें छोटे छोटे अंशों या फिर भागों में बांट कर उस कार्य को करना चाहिए। इस प्रकार का विभाजन कार्य को सरल और सुविधाजनक बना देता है। हम उन छोटे छोटे अंशों को शीघ्रता
और सुगमता से करके संपूर्ण कार्य को पूरा करते हैं। इसी नियम पर अंश से पूर्ण की ओर का सिद्धांत जो है वो आधारित है। तो ये अंश से पूर्ण की ओर का जो शिक्षण सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? तो यह आंशिक क्रिया के नियम से संबंधित। शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों में बांट करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। अगला नियम है आत्मीकरण का नियम। इस नियम का अभिप्राय यह है कि हम जो भी नया ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका हमें आत्मीकरण कर लेना चाहिए या हमें उस कार्य में आत्मसात होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं। यही कारण है कि जब शिक्षक बालक को कोई नई बात सिखाता है तो उसका पहले सीखी हुई बात से संबंध स्थापित कर देता है। अगला नियम है संबंधित परिवर्तन का नियम। इस नियम का अभिप्राय यह है कि पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार उस क्रिया को करना। इसमें क्रिया का जो स्वरूप होता है वो तो वही रहता है पर उसकी उस कार्य की परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। यदि माँ का बच्चा मर जाता है तो वह उसकी वस्तुओं को उसी प्रकार से सीने से लगाती है जिस प्रकार वह बच्चे को लगाती थी। प्रेमिका की अनुपस्थिति में प्रेमी उसके चित्र को उसके चित्र से उसी प्रकार बातें करता है जिस प्रकार वह अपनी प्रेमिका से किया है। सीखने के अन्य महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से हैं? सबसे पहला नियम है उद्देश्य का नियम। इस नियम का अर्थ यह है कि यदि कोई भी कार्य हमारे उद्देश्य को पूर्ण करता है तो हम उस कार्य को बहुत ही शीघ्रता से सीख लेते हैं। इसके संबंध में रायबन महोदय ने लिखा है कि व्यक्ति का किसी कार्य को करने का उद्देश्य जितना अधिक प्रबल होगा उतना ही अधिक उसमें उस कार्य को करने की तत्परता होगी। अगला नियम है परिपक्वता का नियम। इस नियम का सार यह है कि हम किसी बात को तभी सीख सकते हैं जब हम में उसे सीखने की शारीरिक और मानसिक परिपक्वता होगी, तभी हम उस कार्य को सीखेंगे। 10 वर्ष के बालक को नक्षत्र विज्ञान की शिक्षा देना व्यर्थ माना जाता है क्योंकि उसका मानसिक व शारीरिक विकास इतना नहीं होता कि वो इतनी गहराई से ज्ञान ग्रहण कर सके। वह इस विषय को अपनी उसी अवस्था में समझ सकता है जब उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का आवश्यक विकास हो जाता है। अगला नियम है निकटता का नियम। इस नियम का तात्पर्य यह है कि जो कार्य जितना निकट या फिर भूत में हो या कम समय पहले सीखा गया है वह उतनी ही अधिक सरलता से फिर किया जा सकता है। कि हम जो काम तुरंत थोड़े समय पहले ही सीखते हैं उस कार्य को हम दोबारा करेंगे तब हम उस कार्य को बहुत ही आसानी से सीख लेते हैं। अगर इसके बीच में लंबा समय अंतराल हो जाता है तो हम उस कार्य को करने की विधि भूल जाएंगे। अगला नियम है अभ्यास वितरण का नियम। ये नियम हमें बताता है कि किसी कार्य को लगातार सीखने के बजाय कुछ समय के बाद थोड़ी थोड़ी देर सीखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके संबंध में डगलस एंड होलैंड महोदय ने लिखा है कि यदि एक व्यक्ति किसी कार्य का एक दिन में 60 या 80 मिनट तक लगातार अभ्यास न करके 4 दिन तक रोज़ उसका 15 मिनट अभ्यास करे तो वो उस कार्य को अधिक सीख सकता है। फिर है बहु अधिगम का नियम।
इस नियम का अर्थ स्पष्ट करते हुए रायबर्न महोदय ने लिखा है कि हम एक समय में केवल एक बात कभी नहीं सीखते हैं, हम सदैव बहुत सी बातों को साथ साथ ही सीखते हैं। विद्यालय में बालक जो होता है वो न केवल पाठ में आने वाली बातों को सीखता है बल्कि शिक्षक के चरित्र से, छात्रों की प्रगति से और अपने वातावरण से भी वो बहुत सी बातें सीखता है। फिर हैं सीखने के सिद्धांत। सीखने के कौन कौन से सिद्धांत हैं उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। हिलगर्ड ने अपनी पुस्तक थ्योरीज ऑफ लर्निंग में 10 से भी अधिक सीखने के सिद्धांतों का वर्णन किया है। इनके संबंध में यह निश्चय करना बहुत ही कठिन है कि कौन सा सिद्धांत ठीक है और कौन सा सिद्धांत गलत है। वास्तविकता, जैसा कि फ्रेंडसन महोदय ने लिखा है, कि सिद्धांत न तो ठीक होते हैं और न ही गलत होते हैं, वे केवल कुछ विशेष कार्यों के लिए कम या फिर अधिक लाभदायक होते हैं। इस कथन को ध्यान में रखकर हम सीखने के अधिक लाभप्रद नियमों, लाभप्रद 5 नियमों का वर्णन करने जा रहे हैं। पहला है थॉर्नडाइक का थ्योरी ऑफ लर्निंग, दूसरा है कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी, तीसरा है रेनफोर्समेंट थ्योरी, अगला है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, फिर है इनसाइट थ्योरी। सबसे पहले हम देखेंगे थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, मतलब थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। E.L. थॉर्नडाइक ने 1913 को प्रकाशित होने वाली अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में सीखने का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत को कई नामों से पुकारा जाता है। पहला तो है सीखने का सिद्धांत, दूसरा है थॉर्नडाइक का संबंधवाद, तीसरा है संबंधवाद का सिद्धांत, चौथा इसका अन्य नाम है उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, मतलब SR थ्योरी, फिर है सीखने का संबंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। सबसे पहले हम थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांतों में देखें कि सिद्धांत का क्या अर्थ होता है। सिद्धांत का अर्थ होता है कि जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक प्रकट होता है। उद्दीपक होता है स्टिमुलस, जो उसे एक विशेष प्रकार की रिस्पॉन्स, मतलब प्रतिक्रिया करने के लिए उसको हमेशा प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके संबंध में, इस संबंध के फलस्वरूप जब व्यक्ति भविष्य में उसी उद्दीपक का अनुभव करता है तब वह उससे संबंधित उसी प्रकार की प्रतिक्रिया या फिर व्यवहार करता है। फिर है थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के सिद्धांत की व्याख्या। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है कि सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का जो कार्य है वो मनुष्य का मस्तिष्क करता है। फिर हम देखें थॉर्नडाइक ने आगे क्या लिखा है कि सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का विभिन्न मात्राओं में संबंध होना अति आवश्यक है। यह संबंध जो है ये विशिष्ट उद्दीपकों और विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के कारण स्नायुमंडल में स्थापित होता है। इस संबंध की स्थापना सीखने की आधारभूत शर्त जो है वो यह है कि यह संबंध अनेक प्रकार का हो सकता है। इस पर प्रकाश डालते हुए बिग एंड हंट महोदय ने लिखा है
कि सीखने की प्रक्रिया में किसी मानसिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से और शारीरिक क्रिया का मानसिक क्रिया से, मतलब इनका ये अपोजिट हो गया। मानसिक क्रिया का मानसिक क्रिया से मतलब खुद का खुद से, या फिर शारीरिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से संबंध होता है। मतलब या तो मानसिक क्रिया का शारीरिक से कर दो, या फिर शारीरिक का मानसिक से कर दो, या फिर मानसिक का मानसिक से कर दो, या फिर शारीरिक का शारीरिक से कर दो। सभी में क्या होगा, एक बॉन्ड मतलब संबंध स्थापित होगा। फिर आगे है थॉर्नडाइक का प्रयोग। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत की परीक्षा करने के लिए अनेक पशुओं और बिल्लियों का प्रयोग किया है। उसने अपने एक प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे का दरवाज़ा एक खटके, उसने उसके बाहर उस पिंजरे के बाहर भोजन रख दिया गया। बिल्ली के लिए भोजन क्या था, उद्दीपक था। उद्दीपक के कारण उसमें प्रतिक्रिया शुरू हुई। उसने अनेक प्रकार से उस पिंजरे से बाहर निकलने के प्रयास किए। एक बार संयोग से उसका जो पंजा है वो खटके पर पड़ गया। उसके फलस्वरूप क्या हुआ, वो खटका दब गया और उस पिंजरे का दरवाज़ा अचानक खुल गया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को अनेक बार दोहराया और अंत में एक समय ऐसा आ गया जब बिल्ली किसी प्रकार की भूल न करके खटके को दबाकर पिंजरे का दरवाज़ा खोलने लगी थी। इस प्रकार उद्दीपक और प्रतिक्रिया में संबंध जो है वो स्थापित हो गया। अब आगे है सिद्धांतों के, जो थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत है उसके क्या गुण हैं और उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें हम देखते हैं थॉर्नडाइक के संबंधवाद या फिर उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत की विशेषताएं। सबसे पहली है कि यह सिद्धांत उद्दीपक और प्रतिक्रिया के संबंध का सीखने का आधारभूत कारण मानता है। दूसरी विशेषता, यदि सिद्धांत शिक्षण में प्रेरणा को विशेष महत्व देता है। तीसरी विशेषता है, यह सिद्धांत इस बात पर बहुत अधिक बल देता है कि सीखना एक असंबंध प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष गत्यात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक अंगों का पुंज है। अगली विशेषता है, इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति उद्दीपकों और प्रतिक्रियाओं में जितने अधिक संबंध स्थापित कर लेता है उतना ही अधिक वो बुद्धिमान हो जाता है। अगली विशेषता है, इस सिद्धांत के अनुसार थॉर्नडाइक ने सीखने के तीन मुख्य प्रतिपादित किए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम, जो हमने अभी अभी देखे हैं। फिर है थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद है या सीखने का जो सिद्धांत है उसमें क्या कमियां हैं, उसमें क्या दोष हैं। सबसे पहला दोष है, यह सिद्धांत व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल देता है, जिसमें जो प्रयास होते हैं वो व्यर्थ होते हैं, जिसके कारण सीखने में समय जो है वो ज़्यादा लगता है। दूसरा दोष है, यह सिद्धांत किसी क्रिया को सीखने की विधि तो बताता है परंतु उसे सीखने के कारण नहीं बताता है कि किस कारण से ये सीखा गया है। अगला दोष है, यह सिद्धांत सीखने की क्रिया को यांत्रिक बना देता है और मानव के विवेक, चिंतन आदि गुणों की अवहेलना इस सिद्धांत के द्वारा की गई है। अगला दोष है, जब एक कार्य को एक विशिष्ट विधि से एक के बारे में सीख लिया जाता है तब उस कार्य को बार बार प्रयास करके सीखना व्यर्थ माना जाता है। फिर है निष्कर्ष, थॉर्नडाइक के सिद्धांत का निष्कर्ष क्या है कि
इस सिद्धांत के संबंध में स्किनर महोदय ने लिखा है कि लगभग आधी शताब्दी तक संबंधवाद का विद्यालय के अभ्यास में प्रमुख स्थान था, परंतु अब इसे अन्य सिद्धांतों की रोशनी में सुधारा जा रहा है। अब आप नीचे देखोगे कि जो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था, ये वो पिंजरा है और इसमें ये बिल्ली बैठी हुई है, और ये वो खटका है जो बिल्ली ने दबाना सीख लिया था। तो बिल्ली पहले प्रयास में अधिक समय लगा, और जैसे जैसे उसने प्रयास किए और तो इसमें जो पिंजरा खोलने का जो समय है वो कम होता गया, और अंत में ऐसा समय आया कि बिल्ली ने कोई प्रयास नहीं किया बल्कि एक ही प्रयास किया कम से कम समय में, और उसने वो पिंजरा खोल लिया। ये थॉर्नडाइक की उलझन पेटी में बिल्ली बैठी हुई थी। फिर दूसरा जो सिद्धांत है, जिसको बोलते हैं कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी, मतलब संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। सबसे पहले हम देखें कि इस सिद्धांत का अर्थ क्या है, और फिर देखेंगे ये सिद्धांत किसने दिया है और इस पर क्या प्रयोग किया गया है। सबसे पहले इसका अर्थ देखें तो अर्थ में है, भोजन देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। आपने भी देखा होगा, जब कुत्ता जो है वो भोजन देखता है तो उसकी लार टपकने लगती है। यहाँ भोजन जो है वो तो एक प्रकार का एक स्वाभाविक उत्तेजक, मतलब या स्वाभाविक उद्दीपक है, और कुत्ते के मुंह से लार टपकना जो है वो एक स्वाभाविक क्रिया या फिर इसको सहज क्रिया भी कहा जाता है। पर यदि किसी अस्वाभाविक उत्तेजक के कारण भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगे तो इसे संबंध सहज क्रिया या फिर संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। दूसरे शब्दों में अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को ही संबंध सहज क्रिया कहा जाता है। इसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए लेडल महोदय का कथन है कि संबंध सहज क्रिया के कार्य के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के बजाय एक प्रभावहीन उत्तेजक होता है, जो स्वाभाविक उत्तेजक से संबंधित किए जाने के कारण प्रभावपूर्ण हो जाता है। फिर है पावलोव का प्रयोग। संबंध सहज क्रिया के सिद्धांत का जो संबंध है वो शरीर विज्ञान से माना जाता है। इसको मानने वाले विशेष रूप से जो विचारक हैं वो व्यवहारवादी होते हैं। उन व्यवहारवादियों का ही कहना है कि सीखना एक प्रकार से उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध है। इस विचार को सत्य सिद्ध करने के लिए रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है। उसने कुत्ते को भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाई और उसके बाद उस कुत्ते को भोजन दिया गया, और आगे ऐसा समय आया जब कुत्ते को भोजन के लिए घंटी तो बजा दी मगर उसके लिए भोजन प्रकट नहीं किया गया, तब भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। अब हम ये समझेंगे कि क्या कुत्ते को जो लार टपकती थी वो भोजन देख कर टपकती थी या फिर घंटी की आवाज़ के कारण टपकती थी। इसका कारण तो यह है कि कुत्ते ने घंटी बजने से ये बात सीख ली थी कि अब घंटी बज गई है, अब उसको भोजन मिलेगा। उसी कारण से उस कुत्ते के मुंह से लार गिरने लगी थी। घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रतिक्रिया को पावलोव ने संबंध सहज क्रिया की संज्ञा दी है। फिर आगे है, कुत्ते के समान बालक और व्यक्ति भी संबंध सहज क्रिया द्वारा ही कुछ ना कुछ सीखते हैं।
पके हुए आमों या मिठाई को देखकर बालक के मुंह में अचानक पानी आ जाता है। उल्टी करना अनेक व्यक्तियों में सहज क्रिया ये मानी जाती है, पर अनेक में यह संबंध सहज क्रिया भी मानी जाती है। पहाड़ पर बस में यात्रा करते समय कुछ व्यक्ति जो हैं वो उल्टी करने लगते हैं, मतलब उनका जी मिटलाने लगता है। उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको यात्रा शुरू होने से पहले ही उल्टियां आने लगती हैं। कुछ लोग दूसरों को उल्टी करते हुए देखकर भी उल्टी करने लगते हैं। फिर है पावलोव का जो सीखने का सिद्धांत है, उस सिद्धांत के क्या गुण हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं? तो संबंध प्रतिक्रिया का जो पावलोव द्वारा दिया गया सिद्धांत है, इसमें बालकों की शिक्षा में यह सिद्धांत जो है यह बालकों की शिक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसकी पुष्टि भी निम्नलिखित तथ्य प्रकट किए जाते हैं। सबसे पहला है कि पावलोव का यह सिद्धांत सीखने की स्वाभाविक विधि हमें बतलाता है, अतः यह बालक को शिक्षा देने में सहायता देता है। दूसरा गुण या विशेषता है, यह सिद्धांत बालकों की अनेक क्रियाओं और असामान्य व्यवहार की व्याख्या करता है। अगला जो प्रमुख गुण या विशेषता है वो यह कि यह सिद्धांत बालकों के समाजीकरण और वातावरण से उनका सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देता है। अगला गुण या विशेषता है कि इस सिद्धांत का प्रयोग करके बालकों के भय संबंधी रोगों का उपचार किया जा सकता है। अगला बिंदु है समाज मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार यह सिद्धांत मतलब इस सिद्धांत का समूह के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अगला गुण या विशेषता क्रो एंड क्रो ने प्रकट की है। उन्होंने कहा कि इस सिद्धांत की सहायता से बालकों में अच्छे व्यवहार और उत्तम अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है। अगला बिंदु भी क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार ही है कि यह सिद्धांत उन विषयों की शिक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है जिनमें चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सुलेख और अक्षर विन्यास। फिर स्किनर महोदय ने लिखा है कि संबंध जो है वो सहज क्रिया आधारभूत सिद्धांत है जिस पर सीखना निर्भर रहता है। फिर अगला जो सिद्धांत है वो है रेनफोर्समेंट थ्योरी, मतलब प्रचलन या प्रबलन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक C.L. हेल माने जाते हैं, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1915 में एक पुस्तक लिखी जिसका टाइटल था प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। उनका यह सिद्धांत जो है यह थॉर्नडाइक और पावलोव के दोनों सिद्धांतों का मिक्स रूप माना जाता है। सबसे पहले हम प्रबलन का अर्थ देख लेते हैं। प्रबलन सिद्धांत का अर्थ है हल्के सीखने के सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्टोन्स महोदय ने लिखा है कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया मानी जाती है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता को पूरा करता है तो वह उस कार्य को सीख लेता है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए हल महोदय ने आवश्यकता की कमी का प्रयोग किया है। आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार सीखने की प्रक्रिया का आधार है, इसको स्टोन्स महोदय ने एक उदाहरण देकर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उन्हें उदाहरण दिया है कि एक भूखा पशु जो है वो पिंजरे में बंधा हुआ है। पिंजरे के बाहर उसके भोजन रखा हुआ है। पिंजरा खटके को दबाने के बाद में ही खुल सकता है। अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए वो पशु
पिंजरे के अंदर ही अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है और वो क्रियाशील बन जाता है। भोजन उसकी क्रियाशीलता को और अधिक बलवती बनाता है, अर्थात प्रबलन वो करता है। अतः वह पिंजरे से बाहर निकालने के लिए सभी प्रकार के प्रयास करता है। तो सभी प्रकार के प्रयास करने के बाद अपने प्रयासों के फलस्वरूप वह खटके को दबाकर बाहर निकलना सीख जाता है। इस प्रकार भोजन की आवश्यकता को संतुष्ट करने की प्रक्रिया द्वारा वह पिंजरे को खोलना सीख जाता है। सीखने का आधार भी यही माना जाता है। इसके संबंध में हल महोदय ने लिखा है कि सीखना जो है ये आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है, मतलब उसी के द्वारा ये संभव है। फिर है सीखने के सिद्धांत के कुछ गुण या विशेषताएं। तो हल का जो प्रबलन सिद्धांत है उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं या गुण हैं। पहला है आदर्श व सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत। स्किनर महोदय ने इस सिद्धांत को वैज्ञानिक होने के कारण आदर्श सिद्धांत माना जाता है। अतः अब तक सीखने के जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उनमें यही सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा गुण या विशेषता है चालक न्यूनता का सिद्धांत। स्किनर महोदय के अनुसार ही हल का जो सीखने का सिद्धांत है वो चालक न्यूनता का सिद्धांत भी माना जाता है। हल महोदय का कथन है कि जब प्राणी की कोई आवश्यकता पूर्ण नहीं होती है तो उसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम समझें कि भोजन की आवश्यकता पूर्ण न होने पर प्राणी में तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसकी जो दशा है वो असंतुलित हो जाती है। साथ ही भूख का जो चालक है वो उसे भोजन प्राप्त करने के लिए क्रियाशील बना देता है। कुछ समय के बाद वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब उसकी भोजन की आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है। इसके फलस्वरूप भूख के चालक की शक्ति जो है वो कम हो जाती है। अगला जो गुण या विशेषता है वो है उद्दीपन अनुक्रिया। अगली विशेषता या गुण है उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत। स्किनर के अनुसार ही हल का जो सिद्धांत है वो उद्दीपन मतलब उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत माना जाता है। भूख या भोजन जो है वो उद्दीपक का कार्य करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति कई प्रकार की क्रियाओं के प्रति वो क्रियाशील रहता है। अगली विशेषता या गुण है प्राथमिक व द्वितीय के प्रबलन। हल महोदय ने प्रबलन के दो रूप बताए हैं जो विभिन्न अवस्थाओं में दृष्टिगोचर होते हैं। भोजन जो है वो भूख के चालक को प्रबल बना देती है। यह अवस्था प्राथमिक प्रबलन की मानी जाती है, पर भूख उस समय तक शांत नहीं होती है जब तक भोजन खा नहीं लिया जाता। अतः भोजन खाने से पहले भूख का चालक फिर प्रबल हो जाता है। यह अवस्था द्वितीयक प्रबलन की मानी जाती है। अगला गुण या विशेषता है प्रेरणा पर बल। यह सिद्धांत बालकों के शिक्षण में प्रेरणा का अत्यधिक महत्व देता है, क्योंकि बालकों को प्रेरित करके ही उनके ज्ञान की आवश्यकता को पूर्ण किया जाता है। अगली विशेषता या गुण है बालकों की क्रियाओं व आवश्यकताओं का संबंध। इस सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण देन यही मानी जाती है कि यह बालकों की क्रियाओं और आवश्यकताओं में संबंध स्थापित किए जाने पर ही बल देता है।
उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त उनकी क्रियाओं का वास्तविक जीवन से संबंध होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा इन दोनों प्रकार के तथ्यों को स्वीकार करती है। फिर निष्कर्ष के रूप में हम कहें कि आज तक प्रतिपादित किए जाने वाले सीखने के सिद्धांतों में हल्के सिद्धांत को सर्वोत्कृष्ट स्वीकार करते हुए स्किनर महोदय ने लिखा है कि हल्का कहना है कि सीखने का जो कारण है वो किसी आवश्यकता का प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण होता है। अतः कुछ दृष्टियों से आधुनिक शिक्षा को हल्के सिद्धांत में एक सिद्धांतिक आधार मिल जाता है। फिर अगला जो सिद्धांत है वो है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के संबंधवाद के सिद्धांत ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को विशेष स्थान और महत्व प्रदान किया है। अतः हम इसके बारे में नीचे देखने वाले हैं। पहले तो हम देखें कि इस सिद्धांत का अर्थ क्या है। जब हम किसी कार्य को करना सीखते हैं तभी हम उसे पूरा करने मतलब उस कार्य को करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि या गलती या फिर भूल कर देते हैं, पर बार बार प्रयास करके हम उसे करना सीख जाते हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती या त्रुटि नहीं कर पाते हैं। सीखने के इसी सिद्धांत को प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखना कहा जाता है। इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए वुडवर्थ मोदे ने लिखा है कि प्रयास जो है प्रयास प्रयास और त्रुटि में किसी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयत्न मतलब कोशिशें करनी पड़ती है जिनमें से अधिकांश होते हैं। फिर है थॉर्नडाइक का प्रयोग। प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत का जन्मदाता थॉर्नडाइक को माना जाता है। उसने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद करके यह प्रयोग किया कि वह बार बार भूल करके अंत में बिना किसी प्रकार की भूल किए पिंजरे को खोलना वो सीख जाती है। तो हमने देखा था यह सब थॉर्नडाइक के सीखने के नियम में ये बतलाया गया था। फिर बिल्ली के समान बालक और व्यक्ति भी प्रयास और त्रुटि के द्वारा ही कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। बालक इसी सिद्धांत के अनुसार चलना, जूते पहनना, चम्मच से भोजन करना सीखता है। व्यक्ति इसी सिद्धांत का अनुसरण करते हुए कार चलाना, टेबल टेनिस खेलना और दी गई मतलब किसी प्रकार की कोई भी गांठ हो वो बांधना सीख जाते हैं। फिर जो सिद्धांत है उसका शिक्षा में क्या महत्व है, तो ये जो आपने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत देखा है इसका शिक्षा में क्या महत्व है वो हम देख लेते हैं। पहला बिंदु है यह सिद्धांत जो है ये बड़े और मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है। दूसरा महत्व है यह सिद्धांत बालकों में धैर्य और परिश्रम के गुणों का निर्माण करता है। तीसरा बिंदु है यह सिद्धांत बालकों को आशावादी और असफलता में सफलता देखने वाला बना देता है। चौथा बिंदु है यह सिद्धांत अभ्यास पर आधारित होने के कारण मतलब अभ्यास पर आधारित होने के कारण क्या होता है, सीखे हुए कार्य को स्थायी रूप यह प्रदान करता है। अगला बिंदु है यह सिद्धांत बालकों को अपनी पहली गलती से होने वाले अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर देता है। अगला बिंदु है क्रो एंड क्रो के अनुसार यह सिद्धांत गंभीर चिंतन करने वाले विषयों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है, जिस प्रकार गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र का हुआ है। अगला
बिंदु है। गैरिसन एंड अदर महोदय के अनुसार प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है ये सीखने की प्रतिक्रिया में विशेष महत्व है, क्योंकि जिस प्रकार बिल्ली ने प्रयास और त्रुटि करके ही पिंजरे को खोलने की समस्या का समाधान किया था, उसी प्रकार बालक भी अपनी समस्याओं का समाधान इसके माध्यम से कर सकता है। फिर अगला बिंदु है, कोलेसनिक महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि यह सिद्धांत बालकों को लिखना पढ़ना और गणित सिखाने के लिए बहुत ही उपयोगी है, अतः इसको 20वीं सदी के पूर्वार्ध में अमेरिकी शिक्षक पर बहुत गहरा प्रभाव इसके द्वारा डाला गया है। फिर अगला जो सिद्धांत है जिसको इनसाइट थ्योरी कहा जाता है, इसे सूझ या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है। सबसे पहले हम इस सिद्धांत का अर्थ समझेंगे। हम कुछ कार्यों को करके सीखते हैं और कुछ कार्यों को दूसरों को करते हुए देखकर भी हमें सीख जाते हैं। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना किसी प्रकार की सहायता से या बिना किसी के द्वारा बताए ही अपने आप सीख लेते हैं। इस प्रकार के सीखने को सूझ द्वारा सीखना कहा जाता है। इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए गुड महोदय ने लिखा है कि सूझ जो है ये वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित और तात्कालिक ज्ञान माना जाता है। सबसे पहले हम देखें कि कोहलर ने सूझ के सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया है। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं ये जर्मनी के गेस्टाल्टवादी माने जाते हैं, इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ लेता है और सहसा उसे ठीक ठाक करना वो सीख जाता है, पर ऐसा अपनी सूझ के कारण वो करता है। इस संबंध में अनेक प्रयोग जो हैं वो किए जा चुके हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध जो प्रयोग है वो कोहलर का ही माना जाता है। कोहलर ने 6 वनमानुषों को एक कमरे में बंद किया था। कमरे की छत में एक केला लटका दिया गया और कुछ दूर पर एक बक्सा रख दिया गया। वन मानुष ने पिंजरे में खूब उछल कूद की और उस केले को लेने का प्रयास किया, परंतु वो असफल रहा, मतलब वो सफल नहीं हुआ। उसने एक वन मानुष का नाम सुल्तान माना जाता है। वह थोड़ी देर कमरे में इधर उधर घूमता रहा, बॉक्स के पास खड़ा हुआ और उस बॉक्स को खींचकर केले के नीचे ले गया और उस पर चढ़कर और उछलकर उसने वो केला जो छत पर लटका हुआ था वो प्राप्त कर लिया। सुल्तान के इन सब कार्यों से ये सिद्ध हो जाता है कि सुल्तान में सूझ थी जिसने उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता दिलवाई है। वन मानुष के समान बालक और व्यक्ति भी सूझ के द्वारा ही ज्ञान ग्रहण करते हैं। सूझ का आधार जो है वो कल्पना माना जाता है। जिस व्यक्ति में कल्पना शक्ति जितनी अधिक होती है उसमें सूझ भी उतनी ही अधिक होती है और इसलिए उसे सफलता भी अधिक प्राप्त होती है। बड़े बड़े दार्शनिक, इंजीनियर और राजनीतिज्ञों की सफलता का रहस्य जो है वो उनकी सूझ ही मानी जाती है। फिर सूझ का जो सिद्धांत है उसका शिक्षा में क्या महत्व है ये भी हम देख लेते हैं। पहला महत्व है, यह सिद्धांत जो है ये रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। दूसरा महत्व है, यह सिद्धांत बालकों की बुद्धि, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करता है। तीसरा है, यह सिद्धांत गणित जैसे कठिन विषयों व शिक्षण के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हुआ है। अगला जो इसका महत्व है वो है क्रो एंड
क्रो महोदय के अनुसार उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत कला संगीत और साहित्य की शिक्षा के लिए उपयोगी है। अगला बिंदु है स्किनर महोदय के अनुसार यह सिद्धांत आदत और सीखने के यांत्रिक स्वरूपों के महत्व को कम कर देता है। अगला बिंदु है गेट्स एंड अदर महोदय के अनुसार यह सिद्धांत बालक को स्वयं खोज करके ज्ञान का अर्जन करने के लिए सदैव प्रोत्साहित करता रहता है। अगला बिंदु है ड्रेवर महोदय के अनुसार यह सिद्धांत बालक को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित व्यवहार की चेतना प्रदान करता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है गैरिसन व अन्य के शब्दों में कि विद्यालय में बालक के समस्या समाधान पर आधारित अधिकांश सीखने की इस सिद्धांत के द्वारा व्याख्या की जाती है, मतलब इसके द्वारा ही उसकी सीखने की जो व्याख्या है वो की जाती है। तो इस प्रकार ये जो सीखने के सिद्धांतों से संबंधित या नियमों से संबंधित चैप्टर यहीं समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसी प्रकार का अगर कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।